जो मैं कल माइक मंगाया था, आज मैं उसका बॉक्स खोलने जा रहा हूँ, उसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। ये है रॉड की माइक, मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। मेरा आईफोन है, मैं इसी से शूटिंग करता हूँ। ये फिलहाल तो मैं पिक्सल से कर रहा हूँ, तो ये आईफोन है, इसके लिए ही मैंने माइक लिया है। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। एक्चुअली इससे डायरेक्ट जब मैं वीडियो शूट करता हूँ घर में तो लगभग ठीक ठाक आवाज़ आ जाता है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ या ड्राइव कर रहा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग नॉइज, वो सब कुछ कैच करता है। तो इसके लिए मैंने ये लिया है ये माइक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्ट इसमें कनेक्ट होगा, तो इसीलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि मुझे वो सब जमता नहीं कि 17 सेटअप करो, यहाँ कैमरे के ऊपर माइक लगाओ, फिर साइड में उसको क्लिप से जोड़ो, ये सब मुझे उतना पसंद नहीं आता है। मैं शॉर्टकट वाला अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अनबॉक्स करके खोलकर कि कैसा है एग्जैक्टली। और ये मेरे छोटे पार्टनर चेयर पर बैठ गए, हाँ हाँ कर रहे हैं पीछे से, यहाँ उधर उधर टहल रहे थे, डब्बे को कई बार पटक चुके हैं कल से। चलो यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, गिरना नहीं है, डब्बा देखो गिर जा रहा है बार बार, खड़े रहो खड़े रहो, हम दोनों मिलकर अनबॉक्स करेंगे। चलो गिर जाओगे उधर। तीन चीजें हैं इसमें, ये विंडशील्ड है, एक क्लिप है मोबाइल के ऊपर सेट करने के लिए ताकि ये गिरे नहीं, और दूसरा है ये मेन प्रोडक्ट माइक, लगा कर ही रखूँगा, और घर में वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, तो इस तरह से ऐसा ही मैं कोई प्रोडक्ट चाहता था जो कि बहुत आसान हो मेरे लिए, तो अब देखते हैं कितना ये काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, अभी चेक करते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। अभी मैं कुछ आइडेंटिकली डिफरेंस है ऐसा मैं नहीं बोल सकता, तो क्या डिफरेंस आया है ये तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा, जब मैं मार्केट वगैरह में शूट करूँगा तब। ये मस्ती कर रहा है, भाग रहा है, यहाँ वहाँ कर रहा है, मेरे को लगातार डिस्टर्ब करता रहता है। और इसके साथ साथ मैं मोबाइल होल्डर भी मंगाया था, ये मोबाइल होल्डर आ गया है, और वो जो दूसरा वाला मैं बताया था कि मोबाइल होल्डर मेरा उससे लाया था और घर पर मिल नहीं रहा था, तो वो बोला कि आप लेकर गए हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी मिल तो नहीं रहा, गाड़ी में एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये मोबाइल होल्डर हो गया, ये क्लिप कैसे लगाना वो मैं बाद में देखूँगा। ये मैंने फ़ोन को लगा लिया यहाँ पर, ये मेरा नया स्टैंड है, पुराना वाला भी ऐसे ही था, बस एक पैर उसका टूट गया था। ये ओवरऑल जो सेटअप है वो ये हो गया है। अब इसको मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और इस तरह से अभी मैं इसको शूट कर सकता हूँ, होप कि अच्छा साउंड कैच करे। हे हे ए, इसमें भी देखो, अभी चेक करते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। तो ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे भी देखा जाता है क्या? ये खोजते खोजते मुझे आ जाता है, मेरे से टीटी करवाता है। प्लस कार्ड जो नया आया था उसको नहीं करी, उसको करना नहीं चाहिए, उसको नंबरिंग का पीछे लगाना पड़ता है, सब ऐसे दिखा दो सकते हो। आम के लिए जी निकल गया, कुछ करना पड़ेगा, कहाँ रखूँ, प्रॉपर अरेंज करना मुझे। नया वाला बना रही है ना? चलो वो भी गया तुम्हारा शॉटिंग करवाने। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, इनको नाइट सूट वगैरह भी पहना दिया हूँ। आज मैं टीवी पर पहले से रिकॉर्डेड मूवी थी एक्स मैन एपोकैलिप्सी, वो देखा, अच्छी मूवी है, काफी अच्छी। वो देखकर एवेंजर्स एंड गेम्स वगैरह जैसा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वार वगैरह जैसा फीलिंग आता है। आज कुछ खास किया नहीं, वो सुबह बॉक्स खोला, मुझे मन में आया कि जाता हूँ बाहर मार्केट में, और जाने को भी नहीं होता, सो गया, फिर जगा तो ऐसे ही रह गया। पता नहीं घर में रह रहा कर आलस जैसा हो गया, एकदम एक्टिव नहीं होने को हो पा रहा है। ए, चल, अभी दरवाजा खोल कर भाग गया, अभी मुझे उसको लाना पड़ेगा, लाकर लाइट आउट करूंगा तभी सोएगा। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग जहाँ भी रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।